दिल्ली में शाह के सामने कांग्रेसियों ने फूंक डाला गृह मंत्री अमित शाह का पुतला, मचा बवाल। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पुलिस के पहुंचने के मामले को लेकर पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अपने व्यापारी मित्र को बचाने के लिए भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। रांची में महानगर कांग्रेस एवं रांची ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस का सहयोग किया, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, मानो कोई अपराधी को पकड़ने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमूल्य नीरज खलको, राकेश सिन्हा, विनय सिन्हा, दीपू, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, डॉक्टर एम तौसीफ, आभा सिन्हा, अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर कुमार राजा, डॉक्टर राकेश किरण महतो आदि मौजूद थे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।